आ गई बेटा, आज बड़ी देर कर दी तूने। हाँ दादी, वो वहाँ पर दादी का ना पैर काफी खराब था तो टाइम लग गया, फिर ऑटो मिलने में भी टाइम लग गया। क्या हो गया, फिर से कुछ हुआ है क्या? कुछ होता तो बात ही कुछ और होती ना दी। सृष्टि तू कुछ मत बोला, तेरी बहन को ही फैसला करने थे कि कुछ हुआ भी है या कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब माँ और बेटी में फिर से किसी बात पर तू-तू मैं-मैं हो गई। किस बात पर उलट गए दोनों? मैंने इसे और समीर को साथ में देखा। मैं बताती हूँ तुझे, फिर तू ही फैसला करना। ठीक है, सुन ले आपने, सुन लिया ना? और इनको लगता है कि मेरा अफेयर चालू है उस समीर के साथ। तू बेकार की बातें मत कर। मैं बेकार की बातें कर रही हूँ? नहीं, अपना झगड़ा तो इसी बात का है ना कि आपको लगता है कि मेरा अफेयर चालू है उसके साथ। झगड़ा इस बात को लेकर नहीं हो रहा है, झगड़ा इस बात का है कि मैंने हमेशा आजादी दी है अपनी बच्चियों को, लेकिन हर घर की एक मान मर्यादा होती है, एक सिस्टम होता है, और अगर मैंने आजादी दी है तो बदले में मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ मुझ पर विश्वास करें, उनके मन में क्या चल रहा है मुझे बताएं, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो मैं ढाल बनकर सामने खड़ी हूँ, अगर कोई परेशानी हो तो मैं उनकी मदद कर सकूं। मेरी सब बच्चियों ने हमेशा यही किया। प्रीता मुझे सब कुछ बताती है, प्रज्ञा बताती थी बोलू, लेकिन तू मुझे कभी कुछ नहीं बताती। तेरे मन में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैंने तुझे इतनी आजादी दी है तो मेरा हक तो बनता है ना ये जानने का कि तेरे मन में क्या चल रहा है तेरे और समीर के बीच में। बस यही जानना चाहती हूँ, इतनी सी बात है और तुझे कुछ समझ में ही नहीं आता? यही बात मम्मा, यही आप इतने प्यार से कैसे पूछ रहे हैं अभी? अरे हिटलर की तरह मुझसे पूछ रही थी, हिटलर की तरह। सिर्फ एक वो क्या कहते हैं, वो हंटर की कमी थी इनके हाथ में। एक तो तू गले चुप हो जा। माँ मैं, अरे जा कहाँ रही है? खुली हवा खाने जा रही हूँ, मेरे को यहाँ नहीं रुकना। देखा तूने, मुझे तो समझ भी नहीं आता इस लड़की को कैसे समझाऊं। कुछ भी समझाने जाओ ना उल्टा ही समझती है हमेशा। अच्छा माँ, पहले आप शांत हो जाइए, मैं जाकर सृष्टि से बात करती हूँ ना। आप बताओ बीजे, आप ही बताओ, मैंने कभी अपनी बच्चियों पर कोई रोक लगाई? हमेशा उन पे विश्वास ही किया है ना। मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि उसके मन में क्या है। तो कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि उसके और समीर के बीच में अगर कुछ है तो कम से कम सही तरीके से मैं उसकी मदद कर सकूँ। नहीं सरला, तो बिल्कुल सही है बेटा, कुछ गलत नहीं किया। और खामा खा का ये वहम मत कर कि तूने सृष्टि के साथ कुछ ज्यादती की। अरे तू माँ है, तेरा हक बनता है ये जानना कि आखिर उसकी और समीर के बीच में चल क्या रहा है। बीजी सच कहूँ तो पता नहीं, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। क्यों, किस बात का डर बेटा? चिंता हो रही है कि अगर सचमुच समीर और सृष्टि के बीच में कुछ है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो पता नहीं, ये सोचकर मुझे टेंशन हो रही है। इसमें टेंशन वाली क्या बात है बेटा? है बीजी, वहाँ लूथराज के घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन करण और ऋषभ की बुआ जी करीना जी, वो मेरी बेटियों को पसंद नहीं करती। वो कभी नहीं चाहेंगी कि सृष्टि उस घर की बहू बने, और अगर किसी तरीके से सृष्टि बहू बन भी गई ना, तो वो जिंदगी भर उसे तंग करती रहेंगी। मुझे समझ में नहीं आता बीजी, मुझे सच में समझ में नहीं आता कि वो मेरी बच्चियों से इतनी नफरत क्यों करती हैं। क्या कर रहे हैं? आपको तो चेंज करके आराम करना चाहिए अभी। करना तो चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी दिल में एक छोटा सा सवाल भी इतनी बड़ी उथल पुथल मचा देता है कि जब तक उस सवाल का जवाब ना मिले चैन नहीं आता। सवाल का जवाब? छोटा सा सवाल मतलब? देख, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, आज तक मैंने तो किसी को गले से नहीं लगाया, पर तूने समीर को गले लगा लिया, वो भी घर के अंदर। अब ये बता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? याद ही कुछ भी, मतलब मैं तो किसी को भी हक कर लेती हूँ यार, छप्पे पाले में मुझे बड़ा मजा आता है। और उसको तकलीफ में था वो बेचारा, उसको चोट लगी थी, यहाँ पर उसको एंटीसेप्टिक लगा रही थी मैं। जब मैंने उसके जख्म पे एंटीसेप्टिक लगाया तो इतने जोर से चिल्लाया वो, तो उसके सहलाने के चक्कर में मैंने उसको गले लगा लिया। आपको पता है दी,
मैं जब उसके जख्म को एंटीसेप्टिक लगा रही थी ना, तो कैसे बच्चों जैसा चिल्ला रहा था, जैसे बच्चे नहीं बोलते नहीं नहीं ये मत लगाओ ना, ये बहुत जलेगा जलेगा. How silly and how cute, how silly and how cute. क्या क्या ये सार्कास्टिक वाली स्माइल क्यों दे रहे हो मुझे? एक मिनट, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है ना, है ना? बोलो क्या खिचड़ी पक रही है, वरना आप ऐसी स्माइल तो नहीं दोगे. ये स्माइल पता है कैसी है? जैसे जैसे आपको ना आपके सवालों का जवाब मिल गया, ऐसी वाली स्माइल है ये. राइट, मेरी छोटी बहन कितनी बड़ी हो गई है ना. बड़ी भी हो गई और स्मार्ट भी बन गई हूँ मैं. लेकिन आपने अपनी स्मार्टनेस मुझ पर मत अपनाई. जो भी सोचा आप प्लीज अभी बता दीजिए, मम्मी की तरह डायरेक्ट होना सीख लीजिए, जो दिल में बोल दीजिए. ठीक है तो फिर मुझे बता, कुछ कुछ होता है क्या? कुछ कुछ बोले तो, कुछ कुछ बोले तो मतलब तू ही ना, मतलब कि जब तुझे समीर दिखाई नहीं देता तो तेरी नजरें उसे ढूंढती रहती, और फिर जैसे ही समीर तुझे दिखता है तेरे दिल में कुछ कुछ होता है, और फिर जब वो तेरे सामने आ जाता है और तुझसे बातें करने लगता है तो तू उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती. फिर तुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन आती है, और तू उसे चार बातें सुनाकर वहां से चली जाती. लेकिन उसके बाद तू खुद को कोसती है कि तू इतनी रूट क्यों हो गई उसके साथ, क्या जरूरत थी. बस इसी को कुछ कुछ होना कहते हैं, समझी? मैं समझू या ना समझू, लेकिन मुझे समझाने वाली अगर ये समझ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. मतलब आपको खुद के प्यार, खुद के गुस्से, खुद के इरिटेशन का तो पता होता है नहीं, और आप मेरी फीलिंग्स को टटोलने आई हैं. कभी एक्सपीरियंस किया है ये सब? नहीं मतलब फर्स्ट हैंड तजुर्बा है आपको, जो आप मुझे ज्ञान देने आए हो. तुम मुझे मत बता, मैं रिश्ते में, उम्र में और तजुर्बे में सब में तुझसे बड़ी, तो तुझे मेरी सारी बातें चुपचाप सुननी चाहिए और माननी भी चाहिए. ओके मान, चुपचाप सुनूंगी भी और मानूंगी भी. लेकिन आप ये गोल मटोल घुमा घुमा के मत पूछो, डायरेक्टली पूछो ना. अच्छा ठीक है, देख हम दोनों बहनें हैं. करेक्ट. हम दोनों के बीच सच्चा प्यार और पक्की वाली दोस्ती है, है ना? तो हम दोनों को एक दूसरे से सीक्रेट्स नहीं रखने चाहिए, राइट? तो अब तू मुझे सच्ची सच्ची बता दे, Do you love Samir? पकड़ी गई. तू समीर से प्यार करती है? अरे नहीं, एक मिनट दी. हाँ ठीक है, मुझे वो लड़का पसंद है, लेकिन भी मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या फील करता है. तो कोई बात नहीं ना पकड़ी, फाइंड आउट कर लेते हैं इससे पहले कि देर हो जाए. अरे फाइंड आउट, लेकिन क्या? अभी अभी एक आइडिया आया है मुझे. क्या? मैं ना आपके सगाई में ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है. परफेक्ट, माहौल भी होगा और मौका भी. लव यू, लव यू, लव यू टू. मुझे छोटी बहन को प्यार हो गया. नहीं कोई नहीं, हम पता कर लेते. यार पृथ्वी, दिन ब दिन तेरे दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, पर इसमें तेरी कोई गलती नहीं है. अब अगर कोई तेरे रास्ते की रुकावट बनेगा तो तेरे निशाने पर आ ही जाएगा. पहले तो सिर्फ वो ऋषभ लूथरा तेरे निशाने पर था, पर अब उसका छोटा भाई वो करण लूथरा भी तेरे निशाने पर आ चुका है, वो भी तेरा दुश्मन बन चुका है. कोई बात नहीं, दोनों भाइयों की दुखती रख तेरे हाथ में है, तुझे कुछ नहीं करना है, बस उनकी दुखती रख को और जोर से दबाकर उन्हें दर्द पहुंचाना है. That's all. अरे अब तो समझ जाओ, when I'm good, I'm good, but when I'm bad, I'm the best. क्या हुआ पूरब जी? दिशा, everything is finished. क्यों? बैंगलोर से सारी डिटेल्स आ गई. वो औरत सिमोनिका ही है ना? वो सिमोनिका नहीं है. तो फिर?
वो अवंतिका है, अवंतिका सहानी। मैं अपने दी को बताया? मैं उन्हें फोन करने वाला था। हाँ पूरा बोलो। दी हम फिर से गलत साबित हो गए। किस बारे में? दी वो लड़की सिमोनिका नहीं, वो अवंतिका सहानी है। मेरे बैंगलोर के सोर्सेज ने मुझे अभी बताया, उन्होंने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी पास हिस्ट्री, उसके सारे अकाउंट्स चेक किए, और उसके सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स से भी यही साबित होता है कि वो अवंतिका सहानी। एक मिनट पूरा